है दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जुलाई में आपको कौन कौन सी धमाकेदार मूवी देखने मिलने वाली है सिनेमाघर में और कौन कौन सी मूवी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों मूवी तो बहुत सारी है लेकिन मैंने इसमें से टॉप मूवी सिलेक्ट किया जो अक्सर देखने लायक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी नंबर 1 मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप जासूसी वाली मूवी देखना पसंद करते हैं या कोई सीक्रेट मिशन टाइप की मूवी, तो आपके लिए बेहद खास मूवी होने वाली है। आपने अगर मिशन इम्पॉसिबल कोई भी पार्ट नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। आपको बता दूं, ये बहुत ही धमाकेदार जासूसी वाली मूवी है। अब आपको इस मूवी के बारे में बता दूं, दोस्तों अगर आपने पहले से मूवी देखी है तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि आप ये मूवी सिनेमाघर में जाकर देख लेना, आप इस मूवी को जरूर देखो। मैं तो इसमें बात कर रहा हूँ कि ये मूवी कब रिलीज हो रही है, तो आपको बता दूं ये मूवी 12 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज हो रही है इंडिया में। मूवी नंबर 2 नियत। दोस्तों अगर आपको मर्डर मिस्ट्री टाइप जैसी मूवी पसंद है तो आपके लिए ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दूं, हॉलीवुड में एक मूवी आई थी डेथ ऑन द नेल्स, तो ये मूवी लगभग सिमिलर उसी जैसी है जिसमें किसी फैमिली मेंबर का मर्डर हो जाता है और उसमें एक डिटेक्टिव आता है जिसके वो पूरी इंक्वायरी करता है किसने किया और उसे कातिल को ढूंढता है। तो इसमें बता दूं, इसमें वो डिटेक्टिव का काम विद्या बालन ने किया है और मूवी काफ़ी मिस्ट्रियस है। आप इसके ट्रेलर को देख सकते हैं, ट्रेलर इसका पहले ही रिलीज किया जा चुका है। और आपको बता दूं, ये मूवी आपको 7 जुलाई को देखने को मिल जाएगी सिनेमाघर में। मूवी नंबर 3 इनसाइडियस। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखना। ये मूवी फुल्ली हॉरर पर बेस्ड है और आपको बता दूं, ये मूवी 7 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। और आपको बता दूं, इसका ट्रेलर पहले यूट्यूब पर रिलीज किया जा चुका है, आप इस ट्रेलर को जरूर देख लेना। मूवी नंबर 4 बहादुर हुरन। दोस्तों आपको बता दूं, कुछ समय पहले केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई थी, लगभग उसी टाइप की मूवी, बस थोड़ी बहुत स्टोरी अलग है। इसमें भी जिहाद के नाम पर बहुत सारे मर्डर किए जाते हैं और उसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें भी ये बताया गया कि ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित भी है, तो आप इस मूवी को देखना कि मूवी कैसी लगती है। ये मूवी भी 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है। मूवी नंबर 5 ओपन हीमैन। दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकल लवर है तो आप इस मूवी को जरूर देखना और मैं स्पेशल रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखना, ये बहुत ही खास मूवी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें 1940 से 45 के आसपास की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और उस टाइम जो एटॉमिक बम का यूज हुआ था वो बनाया गया था। और उसमें स्टोरी उसी के आसपास घूमती है कि ये बम किसने बनाया था, क्या क्या सही हो रहा था और कितनी दिक्कतें आई थी, किन किन लोगों ने सहमति जताई थी। तो कुल मिलाकर उसी बम के आसपास की स्टोरी घूमती है कि वो बम किस उद्देश्य से बनाया, उसका क्या होने वाला था। तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर देखना, ये ऑफिशियल हिंदी में डब हुई मूवी होगी और ये आपको सिनेमाघर में देखने को मिलेगी 21 जुलाई को। दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ, इस मूवी को आप जरूर देखना, बहुत ही स्पेशल मूवी होगी। मूवी नंबर 6 स्नेक केव। दोस्तों जिसको भी बड़े बड़े मॉन्स्टर वाली मूवी देखना पसंद है तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल मूवी है। दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन ट्रेलर में कुछ इस तरह दिखाई है कि एक क्रू होता है जो किसी तरह के आइलैंड पर फंस जाता है और वहाँ वो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर देखता है और बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है जो उसकी गुफा में चले जाते हैं। दोस्तों आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उन निकलने के दौरान क्या क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे, तो अगर आप मॉन्स्टर लवर हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखना, आपको बेहद पसंद आएगी। मूवी नंबर 7 बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। दोस्तों अगर आप दुनिया खत्म जैसी मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आप जरूर देखना। आपको बता दूं, इसका ट्रेलर पहले रिलीज किया जा चुका है और उसके ट्रेलर के हिसाब से बता दूं, इसमें कुछ ऐसा होता है कि लोग अपने आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो अपने आप जान देने को तैयार हो जाते हैं। अब वो कौन कर रहा होता है, इसके पीछे वजह क्या होते हैं, उस चीज़ को पता किया जाता है। और उसमें एक लड़की की माँ और उसकी बेटी अलग हो जाते हैं, उसमें एक लड़का और होता है जो उनको ढूंढने में मदद करता है, वो भी आँखें बंद करके। तो दोस्तों आप देखना कि किस तरह से मिस्टीरियस होने वाला है, इसके पीछे क्या होने वाला है, आपको उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये मूवी आपको 14 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको नहीं मिले तो 14 या 15 जुलाई को मेरे टेलीग्राम चैनल से ये मूवी डाउनलोड कर लेना, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी नंबर 8 बवाल। दोस्तों आपको बता दूं, ये वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की मूवी है जिसे OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon Prime पर रिलीज किया जाएगा और इसकी संभावित डेट 21 जुलाई है। अब देखते हैं आपको ये मूवी कब देखने को मिलती है। आपको बता दूं, अगर इनमें से कोई मूवी रिलीज होती है और ओरिजिनल प्रिंट में आती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मूवी मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और आपको बता दूं, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।